चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से और चीज़ों को डेवलप करते हैं। आज जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए जब पहले सिलेबस था ना आप लोगों का, अगर मैं 2021 से पहले की बात करूँ तो उस वक्त जो था ये बिल्कुल अलग से टॉपिक था। अब इन्होंने उसके साथ ही एक पर्सपेक्टिव के साथ ही दोनों को लिंक कर दिया। कॉन्सेप्ट में ज़्यादा चेंजिंग नहीं, वही चीज़ है, उन्होंने एक सब टॉपिक के तौर पर डेवलप कर दिया। सब टॉपिक के तौर पर डेवलप क्यों किया, पहली चीज़ तो ये सब टॉपिक के तौर पर डेवलप इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। सही, पहले तो पुरानी बुक के अंदर मसला ये था कि ये वाला एजुकेशन इकॉनमी खत्म होता था और उसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता था इंटेलिजेंस का, एंड देन दे यूज टू कनेक्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल गलत फॉर्मूला था। ठीक है, ज़्यादा टीचर्स उसको मिला के पढ़ाते थे इकॉनमी के साथ, क्योंकि बात वही है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ आपने इंफेसाइज करना है इस न्यू पॉइंटर के ऊपर, समझ आई बात, लेकिन ये है कि समझ आए न्यू पॉइंटर के ऊपर आपने एम्फसाइज करना है, समझ आए इस चीज के ऊपर, लेकिन जो डिफरेंस जो बात है, जो मेन कंटेंट है, वो कंटेंट सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या सीन है। टॉपिक है हमारा एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी का जो रेफरेंस है हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी का जो रेफरेंस है वो क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं। ठीक है, वो ये है, देखिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय सोशल मोबिलिटी। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर, यानी कि सोसाइटी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उसमें चेंज होना। ठीक है, ये चेंज अपवर्ड ट्रेंड में भी हो सकता है, ये ट्रेंड, ये चीज डाउनवर्ड में भी हो सकती है। पहले तो एक बात समझ लें, सही, अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या होगा, लोअर टू मिडिल क्लास, ये चीज भी हो सकती है। डाउनवर्ड का मतलब मतलब ये है कि मिडिल क्लास टू द टू लोअर क्लास। ठीक है, पहली चीज तो ये चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा उसको स्टार्ट कर दूं। ओके, फिर अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और फर्दर आगे लेके चलता हूं तो हमारे पास सोशल मोबिलिटी और दो तरह की क्रिएट होती है। नंबर वन इज ऑल अबाउट इंटर जेनरेशनल सोशल मोबिलिटी एंड द सेकेंड इज इंट्रा जेनरेशनल सोशल मोबिलिटी। इंटर जेनरेशनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यानी कि इंटर यानी कि विद इन द डिफरेंट जेनरेशन, सही है, विद इन द डिफरेंट जनरेशन, ये चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर बोल रहा है बट विद इन द डिफरेंट जनरेशन, विद इन द डिफरेंट जनरेशन। अब क्या है, दूसरी चीज आती है विद इन द सेम विद इन द सेम जनरेशन। लेट्स सपोज, अब मैं आपको दोनों की एग्जांपल देता हूं, इधर देखिएगा within the different generation, let's suppose father is belong from middle class while the son is from, father is from middle class, son is from upper class, am I right? ठीक है, अच्छा जी, दूसरा within the same generation, Mr. A age 20, ठीक है, मिस्टर ए एज 20, इनका ताल्लुक है लोअर क्लास से, लेकिन जिंदगी में कुछ छक्के चौके मार गए एज 40 तक, ये सोसाइटी की मिडिल क्लास में पहुंच गए। बात सही है, समझ आ गई। अच्छा जी, ये बात तो हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अपवर्ड का मतलब है कि आप अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का मतलब है आप
लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ से जाओ, डाउनवर्ड का मतलब है कोई जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हो जाए और आप अपर क्लास से मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ गए, ठीक है। चलें यहां तक हमें बात समझ में आती है, ठीक है। अब अगर यहां तक बात हमें समझ में आती है और इस चीज को थोड़ा सा और फर्दर लेवल पे आगे बढ़े तो हम ये तो पहले हमने सोशल मोबिलिटी को डिस्कस कर दिया, ठीक है। देखिए एक सवाल है छोटा सा मेरा, वो सवाल ये है कि क्या इंसान की के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर क्या उसकी एजुकेशन का रोल होता है या किसी और चीज का रोल भी होता है? और और इंसान को पैसे उसकी एजुकेशन के मिलते हैं या किसी और चीज से मिलते हैं? अच्छा इसके इसके और बताएं चाहो क्या एजुकेशन ही सिर्फ एक सोर्स है? यानी कि लेट सपोज एक बंदा पीएचडी है, वो 20,000 रुपए कमा रहा है, क्यों, वजह क्या है? दिमाग लगाया थोड़ा, उसके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा स्किल्स का क्या ताल्लुक है? फील्ड्स पे डिपेंड करता है, काफी हद तक दुरुस्त आंसर है। चलें अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। देखिए याद रखिएगा इंसान का जो स्टेटस होता है, या अगर आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है, सही है, या फिर आप फाइनेंशियल रिटर्न कह लो, इज लिंक्ड विद योर रोल विद इन द सोसाइटी। एक बात ध्यान में रखिएगा, सही, इज लिंक्ड विद द रोल विद इन द सोसाइटी के आपका सोसाइटी में रोल क्या है, एम आई राइट? सही है, अगर इंपॉर्टेंट रोल होगा, सही है, इंपॉर्टेंट रोल लीड टूवर्ड्स हायर रिटर्न्स, लेस इंपॉर्टेंट रोल लीड टूवर्ड्स लोअर रिटर्न्स। ये बात समझ में आती है, ठीक है। लेट्स सपोज हाई इंपॉर्टेंट रोल का मतलब, हाई रिटर्न्स का मतलब ये है कि कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही, कोई बंदा डॉक्टर है, सही है, जिसके अंदर, अच्छा इस चीज के अंदर सप्लाई ऑफ वर्कर्स पे भी डिपेंडेंट है। सीए बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, रिटर्न्स कम हो जाएंगे, डॉक्टर ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाएंगे, रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अच्छा लेस इंपॉर्टेंट रोल्स में क्या है, आपका क्लीनिंग स्टाफ, सही है, आपका क्लैरिकल स्टाफ जो आपका अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि जिसको रिप्लेस बहुत जल्दी किया जा सकता है, इंपॉर्टेंस नहीं है सोसाइटी में उनकी, ठीक है, तो उनका रोल। अच्छा अब डिपेंडेंट क्या है, असल में इस रोल को परफॉर्म करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, सही है? अब उसको उल्टा पढ़ें, एजुकेशन अच्छी होगी, रोल अच्छा मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटस आएगा, समझ नहीं बात, ठीक है। अब इसी वजह से हम कहते हैं, क्या हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है डेविस एंड मोर, मैंने ये चीज थ्योरी में डिस्कस की थी, इन्होंने कहा था एजुकेशन इज अ प्रूविंग ग्राउंड, यानी कि ये एक प्रूविंग ग्राउंड है आपके साबित करने के लिए कि आप बहुत ही काबिल इंसान हैं, am I right? ठीक है, एजुकेशन इज अ प्रूविंग ग्राउंड, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा जनाब अभी मैं पूरा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूं, मैं तुमने कोई पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं किया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हमने इसके अंदर इससे पहले तक अभी जो चीजें डिस्कस की हैं, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक तरफ है कौन, एक तरफ है हमारे पास फंक्शनलिस्ट,
एक तरफ है हमारे पास फंक्शनलिस्ट। अब जो फंक्शनलिस्ट है हमारे पास इस एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी के रिलेशनशिप को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव कंसिडर करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, जी जनाब, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को दे कंसिडर दिस रिलेशनशिप एज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि वो इसको एज पॉजिटिव रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चले मान लेते हैं आपके पास। ठीक है, क्यों करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसमें लाइक जिसने पढ़ा है वो हायर रोल कर रहा है, जिसने नहीं किया वो नहीं। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अरे बहुत आला, गुड, आई लाइक इट। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक्चुअल में ये लोग मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये कहते हैं मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल, यानी कि हमारे रोल्स की मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक्चुअल में ये मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेरिटोक्रेसी है दरअसल इट मे लीड टूवर्ड्स इनइक्वालिटी, यानी कि ये चीज जो है दरअसल इनइक्वालिटी भी कॉज करेगी। इनइक्वालिटी कॉज क्यों होगी कि भाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन different levels of education is going to follow the different roles, यानी कि different level of education होगा, different roles मिलेंगे, ठीक है, और जो less important roles होंगे वो society के अंदर उनको return कम मिल रहा होगा, उनको return कम मिल रहा होगा। ठीक है, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, it will equal inequality, different levels of education equal different roles, और different roles का पैसा भी different मिल रहा होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, यानी कि एक्चुअल में अब एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखो एक तरह से फंक्शनलिस्ट जो है हमारी इनइक्वालिटी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपार्टाइट सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ट्राइपार्टाइट सिस्टम पढ़ाया हुआ है, अब जो बंदा डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिटर्न्स, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है जी, वो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन का मतलब कि जनाब डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने क्या किया हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने किया हुआ है आप टेक्निकल स्कूल से पढ़े हुए, सही, आपको टेक्निकल जॉब्स ऑफर की जाएंगे। ठीक है, अब उसके हिसाब से रोल्स के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा होगा। ग्रामर स्कूल्स हैं वो इनइक्वालिटी तो एट दी एंड क्रिएट हो रही है ना, लेकिन ये बात जहन में रखना है कि फाइनेंशियल रिटर्न इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन योर एजुकेशन, एक्चुअली इट इज डिपेंडेंट ऑन योर रोल्स, ये आपके रोल्स पे भी डिपेंडेंट होती है चीज। ठीक है, अच्छा जनाब, अब इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जी। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और मैं इसको थोड़ा फर्दर समझाता हूं। मैं काम करता हूं यहां से, देखिए अब मैं अगर इस चीज को मेंशन करता हूं हमारा मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव, सही है, मार्क्सिज्म दे आर अगेंस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन अगेंस्ट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन and social mobility, सही है, against the relationship between education and social mobility के against, ठीक है, इनके नजदीक there is no positive relationship between education and social mobility, ठीक है।
एक्चुअल में ये कहते हैं मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ। मेरिटोक्रेसी क्या है वो दरअसल एक मिथ। मेरिटोक्रेसी क्या है एक मिथ। अब मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई अब उनके नजदीक सोशल क्लोजर फॉर द वर्किंग क्लास। सोशल क्लोजर फॉर द वर्किंग क्लास का मतलब यह है वर्किंग क्लास रिमेन इन द वर्किंग क्लास डिस्पाइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की बेसिस के ऊपर डिस्पाइट ऑफ एजुकेशन। और इसमें आप ये बात भी कह सकते हो नॉट ओनली डिस्पाइट ऑफ एजुकेशन बिकॉज देर आर यू कैन से दिस थिंग देर आर लेस चांसेस for working class kids, people जब कहते हैं इनको सही है less chances for the working class people in education system, education के अंदर इनके पास chances कम होते हैं। am I right? सही है, इनके पास chances कम होते हैं as compared to the ruling class of the, or you can say the capitalist class of the सोसाइटी। ठीक है, अब इसके अंदर आप रेफर कर सकते हैं रेफर टू कल्चरल कैपिटल एंड डेप्रिवेशन। आप बोलोगे कि भाई वो रूलिंग क्लास जो है उनके पास कल्चरल कैपिटल होता है, कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास के पास नहीं होती है। ठीक है, अच्छा इनके नजदीक जो मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ वाली बात है ना, ये मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ वाली बात दरअसल कही थी किसने? बोल्स एंड जिंडिस ने, कि इनके नजदीक मेरिटोक्रेसी के नाम की कोई बला मौजूद नहीं है। अच्छा एक्चुअल में फॉर्मूला तो वो ही ना रोल्स वाली बात, सही है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही है, जिस चीज को हम कहते हैं आप रोल ऑफ इनहेरिटेंस अपने जो इनहेरिटेंस ऑफ रोल्स भी हो रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ, सही है, यानी के एक्चुअल के अंदर वो लोग दरअसल ट्रांसफर ऑफ रोल्स इन कैपिटलिस्ट रोल्स एंड प्रॉपर्टी रोल एंड वेल्थ कर लो, प्रॉपर्टी से पूछा जाता है इसमें रोल्स एंड वेल्थ इन कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर आपका ट्रांसफर रोल्स एंड रोल्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, कैपिटलिस्ट या बिजनेसमैन का या बिजनेस एंटरप्राइजर का जो रोल है वो भी ट्रांसफर हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चीज हो रही है? बुक है, बुक। इसके अलावा जो वो है कैपिटल पैसा है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इस ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि सोसाइटी की जो सब्जेक्ट क्लास है जिसको वर्किंग क्लास है, ठीक है, उसकी स्टेटस चेंज होने के अंदर कोई चांस ही नहीं है। तो अब क्या है कि जो हमारे फंक्शनलिस्ट हैं वो दरअसल इस मेरिटोक्रेसी की वजह से उनको लगता है कि एजुकेशन लोगों की जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं, जबकि मार्क्सिस्ट को लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज जो सिस्टम है पूरा वो पूरा सिस्टम दरअसल कैपिटलिस्ट क्लास ने बनाया हुआ है। और वो मार्क्सिज्म के नजदीक की प्रोटेक्शन ऑफ क्लास का एलिमेंट हो है।
कि क्लास वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है सिस्टम के अंदर, सही है, कि वो किसी भी तरीके से क्लास वैल्यूज जो हैं, जो अपर क्लास का कंट्रोल है वो किसी तरह से लूज ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी बहुत सारी वजह है, इसकी वजह ये होती है कि सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं ना, देखिए मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ। सोसाइटी के अंदर जो आपके ओनरशिप के लिए रोल ऑफ ओनरशिप है, जिसमें सारा प्रॉफिट उनके पास मौजूद है, ठीक है, ओनरशिप बहुत कम लेवल के हालात के अंदर मैनेजर्स या फिर वर्कर्स को ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि वो ओनरशिप ज्यादा इनहेरिटेड होती है, स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें ओनरशिप इनहेरिटेड होती है रादर देन कि वो गेन की जाए मेरिट की वजह से, ठीक है। इसी तरीके भाई वो रोल ऐसा है जिसमें इंपॉर्टेंट पैसा है, सही है। इसके अलावा बहुत सारे मास्टर्स की एक थ्योरी भी आती है, वही कहती है कि जो मैनेजर क्लास होती है दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट वैल्यूज एंड दे आर फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट वैल्यूज, दे एक्सेप्ट दिस थिंग दैट वी नीड टू वर्क फॉर द पीपल अराउंड देम। समझ आई बात? आई होप थिंग्स आर क्लियर। अच्छा इसको इसकी एक बार स्नैप ले लें, ऑनलाइन जरा सा देख लें। अच्छा और क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, यही समझ में ना आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।